जी सेकंड ईयर आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 1.4 क्वेश्चन नंबर वन स्टेटमेंट है डिटरमिन द लेफ्ट हैंड लिमिट एंड द राइट हैंड लिमिट एंड देन फाइंड द लिमिट ऑफ़ द फॉलोइंग फंक्शंस व्हेन एक्स अप्रोचेस टू सी फंक्शन हमें गिवन है एफ ऑफ़ एक्स इज़ इक्वल टू टू एक्स क्वे� एंड सी बी गिवन है दैट इज़ वन फॉर दिस फंक्शन हमें क्या करना है कि इस सी पे फंक्शन की लेफ़्ट लिमिट और राइट right लिमिट दोनों फ़ाइन करनी है और एंड पे हमें फंक्शन की लिमिट फाइन करनी है ठीक है अब लेफ्ट लिमिट और राइट right लिमिट क्या होती है लिमिट का तो हमें मालूम है अगर सी वन है अगर ये ज़ीरो है ये वन है तो वो पॉइंट जो है हमारा वेरिएबल वो वन को अप्रोच कर रहा है ठीक है अब लेफ़्ट और राइट right का मतलब क्या है कि अगर राइट right से अप्रोच करेगा तो वो राइट right लिमिट हम लेंगे ठीक है अगर लेफ्ट से अप्रोच करेगा वन को तो वो लेफ्ट लिमिट हो जाएगी ठीक है स्टार्ट करते हैं फंक्शन इज गिवन एज टू एक्स स्क्वेर प्लस एक्स माइनस फाइव सो लिमिट एक्स अप्रोचेस टू वन लेफ्ट दिस इज इक्वल टू लिमिट एक्स अप्रोचेज टू वन फ्रॉम लेफ़्ट फंक्शन पुट करें यहाँ पे ऐसे अब अप्लाई कर दें लिमिट लिमिट अप्लाई करेंगे तो टू एज इट इज़ एक्स की प्लेस पे वन आ जाएगा प्लस वन माइनस फाइव ये हो जाएगा टू प्लस वन माइनस फाइव दिस इज़ थ्री माइनस फाइव दैट इज़ इक्वल टू टू ये आ गई लेफ़्ट लिमिट ठीक है अब आपको राइट लिमिट फाइंड करनी है उसके लिए लिमिट एक्स अप्रोच टू वन फ्राम राइट एफ ऑफ एक्स दिस इज़ इक्वल टू लिमिट एक्स अप्रोच टू वन फ्राम राइट एफ ऑफ एक्स की वैल्यू पुट करें यहाँ पे फिर से अप्लाई कर दें लिमिट लिमिट अप्लाई करेंगे तो आ जाएगा टू इंटू वन स्क्वेयर प्लस वन माइनस फाइव टू प्लस वन माइनस फाइव दिस इज थ्री माइनस फाइव एंड आंसर इज़ माइनस टू अब किसी भी फंक्शन की लिमिट तब एग्जिस्ट करती है जब उसकी राइट right लिमिट उसकी लेफ्ट लिमिट के बराबर होगी ठीक है अगर ये दोनों सेम होंगी तो फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट करती है अगर ये इक्वल नहीं है तो इसका मतलब है फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती अब आप देख सकते हैं कि लेफ्ट लिमिट भी टू है राइट right लिमिट भी सॉरी माइनस टू है सो so, इस केस में द लिमिट ऑफ द फंक्शन एग्जिस्ट एंड दैट इज माइनस टू ठीक है एग्जिस्ट भी करती है और इसका आंसर है माइनस टू वैल्यू उसकी माइनस टू है क्लियर इस तरह से आपने क्वेश्चन सॉल्व करने हैं क्वेश्चन नंबर वन मैं कर चुकी हूँ क्वेश्चन नंबर टू आपने खुद करना है क्वेश्चन नंबर थ्री मैं करवाने जा रही हूँ क्वेश्चन नंबर थ्री की स्टेटमेंट देखें एफ ऑफ एक्स दिस इज इक्वल टू मॉडलस ऑफ एक्स माइनस फाइव वेयर सी इज़ टू फाइव अब यहाँ पे हमें जो फंक्शन गिवन है वो है मॉडोलस फंक्शन अब मॉडोलेस फंक्शन का आपको मालूम है दो वैल्यूज़ होती हैं एक प्लस में और एक माइनस में ठीक है अब जब प्लस वाली फंक्शन को अगर देखा जाए ये ज़ीरो है इस साइड पे राइट साइड पे प्लस वाला फंक्शन जाएगा और राइट साइड पे सॉरी लेफ्ट साइड पे माइनस वाला फंक्शन तो जब हम लेफ़्ट लिमिट फाइंड करेंगे एक्स अप्रोच टू फाइव फ्रॉम लेफ़्ट एफ फोफ एक्स दिस इज इक्वल टू लिमिट एक्स अप्रोचेज टू फाइव फ्रॉम लेफ्ट लेफ्ट वाला फंक्शन दैट इज़ माइनस एक्स माइनस फाइव अप्लाई कर दें लिमिट लिमिट अप्लाई करेंगे माइनस एज इट इज़ एक्स की प्लेस पे फाइव एंड माइनस फाइव तो माइनस फाइव माइनस फाइव इज़ जीरो आंसर जीरो अब आप राइट लिमिट फाइंड करेंगे उसके लिए एक्स अप्रोचेज टू फाइव फ्राम राइट एफ फोफ एक्स दिस इज इक्वल टू लिमिट एक्स टू फाइव राइट पॉजिटिव फंक्शन आएगा सो so, यहाँ आप लिमिट अप्लाई करें लिमिट अप्लाई करने के बाद फ़ाइव आ जाएगा एक्स की प्लेस पे माइनस फाइव फाइव माइनस फाइव इज जीरो चेक कर सकते हैं कि फ़ंक्शन की यहाँ पे आप लिखेंगे सिंस लिमिट एक्स अप्रोच टू फाइव फ्रॉम लेफ़्ट एफ ऑफ एक्स दिस इज़ इक्वल टू फंक्शन की लिमिट जो है फाइव राइट पे ये दोनों सेम है सो so, लिमिट ऑफ़ एफ ऑफ एक्स एग्जिस्ट लिमिट जो है वो एग्जिस्ट करती है दैट इज़ और लिमिट क्या है ज़ीरो ठीक है इस तरह से ये क्वेश्चन भी आप सॉल्व कर लेंगे इन फर्स्ट क्वेश्चन है इसमें देखें कोई प्रॉब्लम है आप पूछ सकते हैं कोई क्वेश्चन है तो डिस्कस करें और अपनी अटेंडेंस जो है वो ज़रूर कमेंट बॉक्स में, में मेंशन करें